बार जैसे गिरा हुआ इंसान का किसी से पाला न पड़े तो अच्छा। शादीशुदा होते हुए भी हमारी बिटिया पे नजर डाले हुए हो। हमारी जिज्जी को झूठ बोल के घर में घुस गए तुम। अरे बेशर्मी की भी हद होत है श्याम बाबू। हमारी जिज्जी पर तो डाल दिया अपना भुलैया, और वो बेचारी समझ रही है कि तुम हमारी बिटिया की शादी के लिए ठीक हो, और हम तुहार असलियत जान गए हैं श्याम बाबू। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देखिए मौसा जी, खुशी जी से हम शादी तो जरूर करेंगे। खबरदार, अपनी गंदी जबान से हमारी बिटिया का नाम भी लिया तो, अरे अपनी ब्याही हुई पत्नी के साथ जाकर कहाँ नहीं रहते तुम? मतलब का ही सब धूम तमाशा करने का है? जाओ जाओ यहां से। प्यार मौसा जी, प्यार समझ क्यों नहीं रहे? हम खुशी जी से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार का मतलब जाना चाहो? ये प्यार नहीं श्याम बाबू, इका धोखा कहते हैं, धोखा। और हम तुम्हारी ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। और कुछ कह रहे थे ना आप, हमें क्या नहीं करने देंगे? मौसा जी, आप खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, इन हालात को खाक संभालेंगे क्या? दराज में क्या है मौसा जी? दवाई? अरे तो हम लेके आते हैं, आप कहां जाएंगे? मौसा जी, इस दराज में दवाई? इसमें तो नहीं है। अच्छा इसमें? मिल गई दवाई। अरे आप कहाँ आ रहे हैं? हम आते हैं आपके पास। इसे ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ? विदा करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर मन बना ही लिया है तो ठीक है, तुम नहान से जाइएगा मौसा जी। और हाँ, खुशी जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम कहें ना, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। उनका साथ तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। We'll be right back.
खबर कर देती है। चाबी कहाँ गई? बुआ जी, चाबी की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुला ही है। अरे नंद किशोर, श्याम बबुआ तो कह रहे हैं कि ससी बबुआ को लेके मंदिर जाई है। चलो चल कर ही देखें। हाँ। मौसा जी उठिए। मौसा जी क्या हो गया आपको? मौसा जी उठिए। बाबूजी आंखें खोलिए। बुआजी हम घर आए तो ऐसे देखिए। बुआजी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। लगता है हमारा काम हो गया। मौसा जी विदा हो चुके हैं, अब आएगा मजा।